हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बस एकदम मॉर्निंग का समय है, अभी 7 बज रहे हैं, 7 बजे रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो हमको कहीं जाना था। तो गुड मॉर्निंग गाइज, तो भाई तैयार हो गए, अभी 7 बज रहे हैं सुबह के, और देखिए हो गए हैं रेडी और साड़ी पहनी है। तो जा रहे हैं कहीं पे, हम गर्मी में कोई एक्सपायर किया है वहाँ पे। मॉर्निंग में रात नहीं पता चला था, मेरी भाभी के बड़े पापा थे छोटी वाली भाभी के, तो इन सब में जाना ज़रूरी होता है। तो सुबह सुबह हस्बैंड भी चले गए, उनकी संडे है लेकिन ड्यूटी है, बच्चे भी सोए हैं, तो कुछ नाश्ता बना के रख दिए हैं। इसका वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि सुबह सुबह उठ के बहुत सारा काम था, उसको करने में भी भैया आ रहे हैं तो उनके साथ निकल रहे हैं। तो ये दूसरे दिन के मॉर्निंग का वीडियो है क्योंकि उस दिन पूरे दिन यानी 7 बजे का गए हम, आए शाम को 5 बजे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम लोग क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं गया था। गर्मी में जाने पर पूरा दिन निकल जाता है। तो अभी बेटा चला गया था सुबह नाश्ते में, तो बेटी ने सूजी का नाश्ता, मेरे घर ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस उसके लिए मैंने जो है आज मटर वाली सूजी का नाश्ता बनाया था। तो मैंने थोड़ा सा मटर लिया था, आधा कटोरी, उसमें 3-4 हरी मिर्चें, लहसुन 4-5 डाल के उसको पानी डाल के थोड़ा सा पीस लिया था। फिर सूजी लिया था मैंने 4 बड़े चम्मच, 2 चम्मच बेसन लिया था और 2 चम्मच उसमें गेहूँ का आटा मिला दिया था। सारी हेल्दी चीज़ें थी तो उसमें डाल के मैंने जो है जो मटर का पेस्ट बनाया था मैंने उसको डाल के इसको भिगो के मैंने आधे घंटे 15 मिनट रख दे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। पानी डाल के मैंने इसको जो है गाढ़ा सा बेटर, ना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा ना पतला, मैंने भिगो के मैंने जो है इसको रख दिया था। तब तक मुझे जो भी बाकी के काम थे वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी जो है 8:30 हो रहे हैं, तो बेटा हस्बैंड चले गए हैं, बेटी सोई है अभी और लेट से उठूंगी। तो सूजी का नाश्ता उसको आज बनाना था, उसको काफ़ी आज मैं दूसरे तरीके से बना रहे हैं। तो आज जो है हमने मटर को पीस लिया है, उसी में सूजी भिगो के रखे हैं, काफ़ी टेस्टी होता है ये नाश्ता। तो फिर उसको 10-15 घंटे के बाद बनाएंगे, तब तक कपड़े काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गए हैं क्योंकि कल संडे था, कल कोई भी काम नहीं हुआ था, चले गए थे कहीं पर, मतलब कोई एक्सपायर किया था तो वहाँ जाना ज़रूरी था। तो 7 बजे गए तो आए 5 बजे, पूरे दिन वहीं पे निकल गया। और यही सब होता है, मतलब इन सब चीज़ों में जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो संडे पूरा मेरा उसी तरह निकल गया क्योंकि संडे को जो भी क्लीनिंग होती है, कपड़े होते हैं, वो सारा कुछ मतलब नहीं हो पाया था, तो उसका काम आज है। तो आज अब गर्मी लग रही है पूरी, धूप बहुत तेज़ हो रही है, इसी समय काफ़ी तेज़ धूप हो गई है। तो अभी रजाई रखेंगे तो छत पर डाल दिए हैं, उसका खोल निकालें, काफ़ी भारी रजाई है, डबल बेड का है, एकदम उठता नहीं है। हस्बैंड से बोले हैं तो उसको डाल दें और उसकी खोल धुलेंगे, फिर चादर भी निकाले हैं। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं और कल जो बच्चे नहाए थे वो भी कपड़े हैं, दिखाते हैं कितने कपड़े हैं। तो सारे कपड़े अभी एक तरफ धुलते जाएंगे, एक तरफ मतलब खींचते जाएंगे, एक तरफ धुलते जाएंगे, तो दिखा रहे हैं आप लोग। धुल रहे हैं और थोड़ा बहुत उसी में धूप मतलब नीचे टब में डाल के खंगारते जाएंगे क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, इसको खंगारना पड़ता है, फिर मशीन में डाल के सुखाना पड़ता है, टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन एक तरफ धुलता है तो एक तरफ धूप तेज़ हो रही है, 2 घंटे 1 घंटे में कपड़े सारे सूख जा रहे हैं। और अब ठंड के भी कपड़े थोड़ा थोड़ा करके सोच रहे हैं कि धुल के रखते जाएँ क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, मोटे मोटे हल्के फुल्के, सुबह शाम ठंडी लग रही, दोपहर में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है तो टी शर्ट से काम चल जाएगा। तो कहीं रखेंगे थोड़ा थोड़ा, 2-2, 4-4 धुलेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा। तब चलिए थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। मैंने सारे कपड़े धुल के जो है काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे डाल दिए थे छत पे। और इधर फिर मैंने कुछ सब्जियां जैसे गाजर था कद्दूकस कर लिया, प्याज काट लिया था, धनिया की पत्ती डाल के सारी चीज़ों को, नमक डाला था थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, और इसको जो है फेर दिया था। देखिए कितने सारे कपड़े मैंने धुले थे आज की पूरी, मतलब छत भरी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और ठंड के भी 2-4 कपड़े मैं धुलती जा रही थी। ये सारी सब्जियां मैंने डाल दी थी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला था, काली मिर्च का पाउडर डाला था, थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके चाट मसाला डाला था, अब नमक स्वाद के अनुसार डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लिया था। फिर मैंने लिया था नान स्टिक का तवा, आप लोहे की तवा पर भी बना सकते हैं, आसानी से बन जाए। बस मैंने एक बूंद तेल डाला था उस पर और डाल के फिर मैंने जो है उसको फैला दिया था, थोड़ा सा ना ज़्यादा पतला रहेगा ना मोटा रहेगा, चीले की तरह फैला दें और फिर ढक दें, गैस को एकदम लो रखें, तभी अच्छा बनता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट लगता है। जब एक तरफ अच्छे से हो जाए तब दूसरी तरफ जो है इसको पलट दें, पलट के दोनों तरफ अच्छे से पका लें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों को मेरे सूजी का नाश्ता काफ़ी पसंद, इधर मैंने चाय रख दिया था, वो बेटा तो एग्ज़ाम देने गया था तो भी 11 बजे तक आ जाता है, तो उसके लिए भी कुछ नाश्ता
नाश्ता बना देते हैं, क्योंकि चावल भी एकदम नहीं खाता तो चावल बाद में खाता है, तो वैसे दाल बना देते हैं, सुबह ही सब्जी भी बना देते हैं, उसके बाद ही नाश्ता बनाते हैं कि सिर्फ दोपहर में चावल रह जाएगा। तो बस देखिए चाय बन रही थी, इधर बन रहा था ये नाश्ता, देखिए कितना ज़्यादा देखने में ही है यमी लग रहा था, तो मैंने इसे चाय के साथ खाया था और बच्चों ने जो है इसे सॉस के साथ खाया था, काफ़ी ज़्यादा यमी लग रहा था। तो इस तरह ये नाश्ता झटपट बन जाता है, आप लोग सुबह या शाम के नाश्ते में कभी भी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, काफ़ी ज़्यादा। और संडे तो मेरा भी देखते हुए अरे सूजी का मटर नाश्ता काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, बस इसको कर लेते हैं। नाश्ता कर लेने के बाद मैंने बेटे के लिए बनाया था, तो ये गेहूं के आटे में 2 चम्मच सूजी मिला दिया था और पूरा पानी में घोल के चीनी घोल के मैंने बना दिया था उसके लिए पेनकेक टाइप में। उसको ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, वो सूजी नहीं खाता है यानी मिर्चा बहुत कम खाता है, तो उसे मीठा चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए 2-3 बस ये बना दिया था कि वो अभी आया नहीं था, आएगा तो इसको जो है मिर्चा वाले अचार के साथ वो खाता है, काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद है। तो सब बच्चों के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है, और बच्चे जो बोलते हैं वो खाएँ तो चलो मन से बना देते हैं। तो बस आज का दिन संडे चूँकि मेरा पूरा बेकार चला गया था, जो संडे का भी काम आज हो गया था, और संडे अगर बेकार जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो बस इधर हो गई थी शाम, शाम को बेटी ने बनाया था जो है, 4 बज रहे थे, मैगी बोली थी काफ़ी दिन हो गया तो कि मैगी बनाना है, तो ये सब काम वो सब खुद कर लेती। इधर मैं उधर वो मैगी बना रही थी, मैं बर्तन धुल रही थी क्योंकि आज काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, पूरे दिन करते करते बीत गया था, कोई कोई दिन ऐसा ही होता है। तो बस ये है, तो बर्तन धुल लेने के बाद उधर मैगी बना था, तो मैगी चाय सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और फिर हो गई थी तो आज देखा कि मतलब आटा भी ख़त्म हो गया है, गेहूं बस एक टाइम का आटा था, तो बस मैंने जो है इसी डब्बे में गेहूं रखा हुआ है गांव से ले आके, और आटा जो था वो शादी वाला आटा ही 2 महीना मेरा चल गया था, तो अभी बस उसको तुरंत ही हस्बैंड आ गए थे तो शाम के 6 बज गए, तो गेहूँ कस के उनको दे दिया था, वो लेके चले गए थे पिसाने के लिए। इधर जितने भी कपड़े मैं लाई थी सारे जो है सबसे पहले सोचा कि फोल्ड करके उनको जगह जगह न रख दिया जाए, तो फिर जो इधर बिखरे रहते अच्छा नहीं लगता, कपड़ा उतना ही धुलना चाहिए जितना कि उसको तुरंत ही फोल्ड करके उसकी जगह पे रख दो। तो जो मोटे कपड़े मैंने धुले थे वो सारे मैंने एक जगह कर दिए कि उनको सारे बड़े बक्से में डालना था, साथ में रजाई का खोल भी सूख गया था, रजाई भी मैं उठा के ले आई थी। और फिर मैंने बनाया था बेटा कई दिनों से बच्चे बोल रहे थे चिकन फ्राई बनाने के लिए, तो इधर चिकन फ्राई बनाया था, साथ में ग्रेवी वाली चिकन भी बनाई थी, तो भाई और भाभी को भी बुलाया था, उनके बच्चे भी आए थे सब लोगों को खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी चिकन फ्राई बना था। मैंने 2-3 तीसरी चौथी बार बनाया था, लेकिन इस बार का हर बार से ज़्यादा टेस्टी बना था। कमेंट करेंगे तो पूरा वीडियो हम जो है डाल देंगे, पूरी वीडियो बनाई है, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, बच्चों ने काफ़ी पसंद से खाया था। इधर उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने फ्राई किया था चिकन फ्राई, तो अलग से 9 बर्तन करके मैंने उसी में जो है ग्रेवी वाली चिकन भी बना ली थी, साथ में एक तरफ चावल रख दिया था, और उसके बाद लास्ट में रोटी बन गई थी, तो रोटी बनती जा रही थी और सब लोग बैठ के जो है खाते जा रहे थे। तो अभी रात के जो है 9:30 हो गए थे, सब लोगों ने काफ़ी पसंद से खाया था दोनों चीज़ें काफ़ी। तो ये रहा मेरा आज का पूरा दिन का रूटीन। उसके बाद अभी रात के बज रहे थे 11, बर्तन आज धुलने के बाद किचन आज साफ़ करने के बाद हम लोगों ने लगा लिया था रजाई में खोल और उसको रख दिया था। फिर मिलते हैं।